सपोज आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है। चेन चेन का कुछ हिस्सा टेबल के ऊपर है और कुछ हवा में लटक रहा है, रेस्ट पे है, फ्रिक्शन है, इट्स ओके, इसलिए नीचे नहीं गिर रही। हमने चेन की प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस की हुई है फोर्स में कि बताओ कितनी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हो कि चेन नीचे ना गिरे, ये वो प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं चेन तो हवा में लटक रही है, नीचे नहीं गिर रही, रेस्ट पे है। चेन की जो चेन का जो मास है टोटल वो एम है और चेन की जो लेंथ है वो एल है, गिवन है, एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस टाइम जो आपको चेन दिख रही है इसकी कितनी लेंथ हवा में लटक रही है, क्वेश्चन में गिवन है लेंथ हवा में जो लटक रही है वो एल बाय सिक्स है। ठीक, आपको इसमें मुझे वर्क डन बताना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे कि लटकती हुई चेन को मैं ऊपर टेबल पे रख दूं, बस ये काम है। मैंने आपको हिंट भी दिया, अगर ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के एल बाय सिक्स हाइट पे लेके जाना है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करना पड़ेगा, एम इंटू जी इंटू एल बाय सिक्स। इस केस में इस लटकती हुई चेन को टेबल के टॉप पे लेके जाना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कितना करना पड़ेगा ये क्वेश्चन है। बोलो आंसर क्या होगा इसका। चेन रेस्ट पे है, बिल्कुल चेन रेस्ट पे है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ये क्वेश्चन है। ओके, ये बताओ इस लटकती हुई चेन का मास कितना है, पहले ये बताओ इस चेन का यहां से यहां मास कितना है। कितने लोग बोलते हैं एम बाय एम बाई टू आधी चेन है, या फिर एम बाई सिक्स, एम बाई सिक्स। ओके, ऑनलाइन कितने M/6 एम सर, बाई सिक्स लग रहे सर हैं। एम बाई सिक्स। भाई देखो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सिंपल है। अगर लेंथ एल है तो कितना हिस्सा हवा में लटक रहा है, एम। अगर वन है तो एम डिवाइडेड बाय एल, और अगर एल बाय सिक्स हवा में लटक रहा है तो मास क्या बनेगा, एम बाय एल इंटू एल बाय सिक्स। आंसर क्या आएगा, एम बाय सिक्स, बिल्कुल ठीक, एम बाय सिक्स। कोई डाउट इसमें, तो चेन का कितना मास यहाँ पे लटक रहा है, एम बाय सिक्स। ओके, अब आंसर दो। अब आपको ये बताना है कि बोलो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इसको ऊपर रखने के लिए। तो आंसर कितने लोग बोलते हैं, आंसर इज एम बाय सिक्स इंटू जी इंटू एल बाय सिक्स। कितने लोग बोलते हैं वर्क डन की वैल्यू इज इक्वल टू एम बाय सिक्स इंटू जी इंटू एल बाई सिक्स, ये मेरा क्वेश्चन है, यस या नो, ये क्वेश्चन है। कितने बोलते हैं यस, ओके, कितने बोलते हैं नो, ऐसा क्यों, आपको क्यों नहीं लग रहा। कैसे नीचे इतना वेट ही तो लगा रहा है, तो वेट तो इसका एम बाई सिक्स इंटू जी है ना, प्रॉब्लम क्या है, ले तो लिया क्यों। बिल्कुल, इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहां पर मास है जिसकी हाइट एल बाई सिक्स है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी चेन के ऊपर। यहां पर जो छोटा सा मास आएगा उसकी लेंथ एल बाई सिक्स से भी कम है, यहां पर जो मास होगा उसकी लेंथ एल बाई सिक्स से भी कम है, यहां पर जो मास होगा और कम है, हाइट और कम और कम और कम और कम। ये देखो ये वाला मास तो कहता है ही इतना सा डिस्टेंस ऊपर मुझे जाना है, तो प्रॉब्लम क्या है, इस मास को अगर उठा के ऊपर रखना है तो एनर्जी कुछ और है mgh, इस मास को लेके जाना है वर्क डन कुछ और है, इसको लेके जाना है वर्क डन कुछ और है, वर्क डन। ये प्रॉब्लम इसमें नहीं थी कि पॉइंट मास था उसी को उठा के ऊपर लेके जाना है, यहां पर मास की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है पूरी चेन में, तो इसलिए हर एलिमेंट को ऊपर उठाने का वर्क डन क्या रहेगा, डिफरेंट। तो आप अगर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एम बाई सिक्स इंटू जी इंटू एल बाई सिक्स, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मास एम बाई सिक्स बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है और उसको उठा के मैं कितनी हाइट पर लेके आ रहा हूं, एल बाई सिक्स, और मुझे ये कह रहे हैं कि यहां पर मास है ही नहीं,
लेकिन आपने तो मास एल बाई सिक्स हाइट पे लिया हुआ है। तो अगर आप ये फॉर्मूला सोच रहे हैं तो ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली गलत है। क्यों गलत है समझ में आ रहा है? क्योंकि हर मास की एनर्जी डिफरेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब फिर किसी ने आप फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, अपना फॉर्मूला बुकलेट ओपन कर लेना, उसमें मेथड वन लिखेंगे, पहले दो मेथड से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेन का। तो क्या करेंगे, सपोज ये आपके पास एक चेन है जो हवा में लटक रही है और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो सपोज एल बाय सिक्स है, लेंथ इज एल बाय सिक्स। तो किसी ने कहा कि ठीक है सर मैं बात समझ गया हूँ, क्या कि छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे चेन के लिंक्स लेने पड़ेंगे, पहले इसका वर्क डन निकालेंगे, फिर अगले लिंक का वर्क डन निकालेंगे, फिर अगले का निकालेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर सारे वर्क डन को मिलाएंगे। मिलाने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो क्या तरीका निकाला? तरीका ये निकाला, तो किसी ने कहा कि सर यहाँ तो मास ही मास है, तो मैंने कहा एक काम कर तू कोई भी एक छोटा मास ले ले। उसने कहा छोटा कितना? तो जितना छोटा ले सकता उतना छोटा ले। तो उसने कहा सर टोटल मास तो m बाय सिक्स है, पर मैंने कहा तू कोई मर्जी ले ले। उसने छोटा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा एलिमेंट क्या होगा, इसका मास क्या होगा? dm। dm क्यों? क्योंकि इससे छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं इस लेंथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूं तो मैं सबसे छोटा टुकड़ा लूंगा और इससे छोटा टुकड़ा होगा नहीं। अगर टोटल मास m है तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मास क्या होगा? dm। अब dm कहां लें? मैंने कहा जहां मर्जी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले इसका वर्क डन निकालूंगा, फिर नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, पहले एक का तो निकालूं। तो मैंने यहां पर एलिमेंट क्या ले लिया? डीएम। अब उसने कहा कि सर डीएम की लेंथ क्या है? इसकी जो जैसे इसकी लेंथ तो एल बाय सिक्स है और मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी लेंथ क्या है? तो इसकी लेंथ है डीएक्स। डीएक्स का मतलब है स्मॉल लेंथ, स्मॉल एलिमेंट है डीएक्स। और ये एलिमेंट की हाइट यहां से टेबल के टॉप से कितनी है? वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपने एलिमेंट यहां लिया, यहां लिया या यहां लिया, एक्स की वैल्यू में चेंज, तो मैंने एक्स ले लिया कुछ भी, तो आपने एक्स डिस्टेंस पे कोई भी एक मास ले लिया डीएम, और ये मास बहुत छोटा मास है और इसको आप ट्रीट कर सकते हो लाइक अ पॉइंट मास। तो एक पॉइंट मास है। तो मैंने ये पूछा चल एक काम करिया तो चेन को बाद में उठा के रखियो, तो ये बता कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, ये स्मॉल एलिमेंट को उठा के जब ऊपर रखेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा? उसने ये तो मैं कर लूंगा। कैसे? मास क्या लेगा? डीएम इंटू जी। हाइट क्या लेगा? एक्स एम जी एच। पॉइंट मास के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड है, और डीएम से छोटा मास तो हो नहीं सकता, आप इसको पॉइंट मास ले सकते हो, तो डीएम इंटू जी इंटू एक्स। क्या पॉइंट क्लियर है? पर मैंने कहा ये टोटल वर्क डन थोड़ी ना भाई, टोटल वर्क डन तो ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं यहां से लेके यहां तक सारों के वर्क डन निकालने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा टोटल वर्क डन। तो ये वर्क डन कौन सा है? ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। क्या स्टेप क्लियर है? तो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है? डी डब्ल्यू। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। अब ये बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं डीएम की वैल्यू क्या लूं? इस क्वेश्चन में मैं डीएम की वैल्यू क्या लूं? अगला क्वेश्चन ये है, ठीक बोलो डीएम क्या ले, इसका स्मॉल मास क्या है? अच्छा ये बताओ इस पूरी चेन में, पूरी चेन की लेंथ क्या है? एल। मास क्या है? एम। तो अगर लेंथ L है तो मास क्या है? M। अगर लेंथ 1 है तो मास क्या है? M by L। इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। आप बोलो कितनी लेंथ का मास निकलवाना है आपको? बोलो इस डायग्राम में कितनी लेंथ का मास निकलवाना है? dx। dx का, बिल्कुल सही, क्योंकि इस एलिमेंट की लंबाई सिर्फ dx है। तो dx एलिमेंट का मास क्या है? M by L into कितना? dx। तो ये क्या आ गया मेरे पास? dm। तो dm कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है यहाँ तक? m by l into dx। कई बुक्स डायरेक्टली भी लगाती हैं, वो कहती हैं पूरी चेन का मास पर यूनिट लेंथ m by l है, इसको dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो dm मास आ जाएगा। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हमने ये x मत देखें, हमने जो मास निकालना है वो सिर्फ इतने पोर्शन का निकालना है, उसकी लंबाई मैंने थिकनेस क्या ली हुई है? dx। तो ये पॉइंट क्लियर है, dx आ गया।
अब कोई स्टूडेंट कहता है एक काम करते हैं सर, इस डीएम को उठा के यहां पे पुट कर लेते हैं, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। तो उसने कहा टोटल, क्योंकि मैंने कहा मेरे को तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए, मेरे को तो पूरी एल बाई सिक्स लेंथ को उठा के टेबल पे रखना है। ये भी कर लेते हैं हम, क्या करेंगे, क्योंकि ये डी डब्ल्यू आ गया जिसमें एम कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, एक्स और डी एक्स को बाहर रखा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए जितने भी एलिमेंट्स यहां से लेके यहां तक बनेंगे, एक एक करके डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू निकालते जाएंगे और मिलाएंगे, मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आएगा। तो क्यों ना ऐसा करें, टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड्स की क्या करें, इंटीग्रेशन और कॉन्स्टेंट को बाहर रख लेते हैं। अब लिमिट देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है, एक्स, तो लिमिट भी किसकी लगेगी, एक्स की। तो बताओ जब पहला एलिमेंट यहां पे था जो सिर्फ टेबल के ऊपर ही पड़ा हुआ है, उसका एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, और जब आखिरी एलिमेंट आ जाएगा ये वाला, तो उसमें एक्स की लेंथ क्या जाएगी, एल बाय सिक्स, तो लिमिट एल बाय करेंगे जीरो से एल बाय सिक्स, कोई डाउट इसमें, तो जीरो से एल बाय सिक्स में सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, राइट, क्लियर है यहां तक। और वर्क डन में जब पहला एलिमेंट लिया आपने ये वाला, तो उसमें वर्क डन आपने क्या किया, जीरो, आपने कुछ किया ही नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी टेबल पे पड़ा हुआ था, और जब आखिरी एलिमेंट ऊपर गया तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, डब्ल्यू। तो जब आपने इसे इंटीग्रेट किया तो ये डब्ल्यू हो गया, एम बाय एल इंटू जी, एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल बाय सिक्स, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू आ गई एम बाय एल इंटू जी, टू को बाहर ही निकाल लो, तो एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट, एल स्क्वायर बाय 36 माइनस एक बार लोअर लिमिट, एक एल से एल कैंसल, वर्क डन आ गया एम जी एल बाय 72 इज द आंसर। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि कैसे हमने वर्क डन की वैल्यूज को निकाला। तो चेन जब हवा में लटकेगी और पूरी चेन को उठा के ऊपर रखना पड़ेगा तो वो एम जी एच से आंसर आएगा नहीं, क्योंकि चेन का मास कॉन्टिन्यूसली ऊपर, जैसे जैसे चेन रखते जा रहे हैं उसका वेट कम 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 होता जा रहा है, और वेट क्या होता है, फोर्स, फोर्स वेरिएबल है, और जो वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन से ही वर्क डन निकल सकते हैं, तो वर्क डन निकलेंगे नहीं, सीधा निकलेगा नहीं। क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक, यस सर। इसके ऊपर लिख लो दिस इज मेथड नंबर वन, ठीक है। अब एक और प्रैक्टिकल चैलेंज बताता हूं, जब हम भी पहली बार जब फिजिक्स हमने भी पढ़ी थी ऐसे प्लस वन में, अभी भी याद है थोड़ा बहुत, तो मैं भी आपकी तरह टीचर की शक्ल देखता था, यार कैसे, मतलब कैसे इसको याद आ जाता है, एक्स लेना है, डी एक्स लेना है, डी एम लेना है, ऐसे निकाल लेंगे वैसे, मेरे को नया क्वेश्चन तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर चलो ये क्वेश्चन तो मैं कैसे से याद करके भी कर दूंगा, मुझे क्या पता यार एलिमेंट नीचे से लेना है या ऊपर से लेना है, फिर लिमिट भी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर पेपर में आएगा ये मेरे बस का नहीं है, मैं भी ये सोचता था मेरे बस का नहीं है, फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं नॉर्मल हूँ, आप भी नॉर्मल हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से करके दिखाया, फिर नया क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप खुद फटाफट डी एक्स डी एम एक्स वाई करके खुद कर देंगे, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आप नॉर्मल हैं प्लीज़, आप ये मत सोचना कि कोई जादू सिखा रहे हैं आपको और जादू आपको आ गया, नहीं आएगा। ये आपको एक साल लगेगा पूरा ये सीखने में कि ये कैसे एलिमेंट्स लिए जाते हैं और एलिमेंट्स लेके हम कैसे लिमिट्स को पुट करते हैं। अब एक साल क्यों लगेगा, क्योंकि इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन सिर्फ हैं 7-8 ही। वो 7-8 जब पूरे साल में रिपीट होंगे ना, आपको बस इतने ही हैं, वो 7-8 भी घूमती रहती है कहानी, तो बंदे को हर लिमिट ही, आपको मेथड याद हो जाएगा कि इसमें क्या करना है। अब इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि नए क्वेश्चन में मैं लगा लूंगा तो नहीं लगा पाएंगे, बस आप एक बात का इश्योर कर लें कि अगर आपको ये क्वेश्चन फिर से आ जाए बस आप इसमें लगा लें, इतना तो कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसमें लगा लें, बस इतना ही बहुत है। अब आपकी तरह और मेरी तरह कोई और एक बंदा भी होगा जो बहुत परेशान हो गया इस क्वेश्चन को देख के कि यार कौन करेगा इंटीग्रेशन, तो उसने एक नई चीज निकाली और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड में क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल सकते हो, एक शॉर्टकट निकाला जिसमें इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंटर ऑफ मास। आपका अगला चैप्टर सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास इन टाइप की इंटीग्रेशंस से आपको छुटकारा दे देगा। वो कहेगा कि देखो हमें तो आदत है एमजीएच करने की,
हमें कोई आदत नहीं इंटीग्रेशन की, तो वो एक सेकंड में आंसर निकाल देगा। वो कैसे निकालेगा, इसके लिए लिखें मेथड नंबर टू। तो यहाँ पर लिखें मेथड नंबर टू, और ऑब्वियसली ये सीखने के बाद काफ़ी लोग मेथड टू ही लगाएंगे। कौन करेगा इंटीग्रेशन, वो तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो बताना है कि देखा एक्चुअल मेथड ये है, पर हम करेंगे शॉर्टकट। और ऐसा नहीं कि शॉर्टकट कोई इल्लीगल है कि ऐसे कैसे लगा दिया, चैप्टर कोर्स का पार्ट है। क्योंकि पहले आपको याद है, पहले मुश्किल करवाया जाता है कोर्स, पहले करवाया जाता है काइनेमेटिक्स, सबसे मुश्किल काइनेमेटिक्स, फिर कहते हैं नहीं 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 वो मत लगाओ, एनर्जी लगा लो, आसान हो गया एनर्जी से। फिर कहते हैं एनर्जी कर रहे थे, बीच में आ गई इंटीग्रेशन, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये भी मत लगाओ, इंटीग्रेशन से बहुत लंबा काम है, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास है, इमेजिन करो आपके पास एक, सपोज ये एक कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी लो, सिमेट्रिकल बॉडी, लेकिन रूल ये रहेगा मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ही ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपने। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या करना है तो बाद में बताऊंगा, पर आज जो मैं एग्जांपल लूंगा उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ 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 मास की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। ऐसा नहीं है ये रॉड यहाँ तो मास ही मास भर दिया, लोहे लोहे लोहा भर दिया, और यहाँ पर कॉटन भर दी, रुई भर दी, डेंसिटी देखो चेंज हो गई ना। तो अब उस केस में तो कहीं मास ज़्यादा है कहीं मास कम है, तो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आ जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। पर हम क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे आप ये स्टिक लें, चाहे आप ये एक स्फेयर लें, मान लो एक स्फेयर ले लें, ये रहा स्फेयर जिसमें मास वॉल्यूम वाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर इसका मास है, डेंसिटी बराबर है। तो जिन क्वेश्चन में मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बराबर बराबर होते हैं हर जगह, तो उनके अंदर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे होता है। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास वो इमेजिनरी पॉइंट है। देखो सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास सेंटर है, एक पॉइंट है जहां पर एज्यूम किया जाता है, इमेजिनरी है ये, रियलिटी नहीं है ये, जहां एज्यूम किया जाता है बॉडी का सारा मास यहीं पर पड़ा हुआ है, जबकि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहां भी यहां भी यहां भी, पर हमें ये पता लग गया कि अगर हम हर जगह मास लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो हमने एक आसान तरीका किया, हम ये मानते हैं सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक ही पॉइंट पर इमेजिन करते हैं। अब वो पॉइंट कहाँ इमेजिन करना है, सिमेट्रिकल बॉडीज में जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो मास कहाँ पर पाया जाता है, एट सेंटर। तो इसका मास अगर m है तो मैं इमेजिन करता हूँ वो मास कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे स्फीयर के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास कहाँ पर एज्यूम किया जाएगा, एट सेंटर। सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाएगा, एट सेंटर। पर इमेजिन करें अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इस स्फेयर में यहां पर मास बहुत ज्यादा रखा गया और यहां पर मास बहुत कम रखा गया, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, कहां पे होगा, जहां ज्यादा मास होगा। ज्यादा मास कहां होगा, यहां होगा। तो ये लोकेशन कैसे निकलेगी, ये आप निकाल नहीं पाएंगे आज, इसके लिए आपको 10 दिन एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। उस चैप्टर में करते क्या हैं, यही तो ढूंढते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ढूंढना ज़्यादा आसान है, इंटीग्रेशन करनी मुश्किल है। तो बंदा कहता है मैं सेंटर ऑफ मास सीख लेता हूँ। अब आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर सेंटर ऑफ मास का है, राइट, तो बॉडी सिमेट्रिकल तो आएगी नहीं, इसमें सिमेट्रिकल आएगी क्योंकि आज मैंने सेंटर ऑफ मास आपको सिखाना नहीं है। तो सिमेट्रिकल बॉडीज़ के अंदर, सिमेट्रिकल बॉडीज में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एट सेंटर। जब सिमेट्रिकल मीन्स जब मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बोलना चाहिए। जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, पर जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर अगले महीने देखेंगे क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, आज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। ठीक, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो सेंटर ऑफ मास क्या पॉइंट है, जहाँ पर इमेजिन किया जाता है सारा मास पड़ा हुआ है। अब इसे आपको फिर इमेजिन करने करना क्या है, बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसका मास m है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो इंस्टेड कि आप ये कहो सर यहाँ भी मास है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, डीएम 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 मत बोलो, आप मुझे शेप ही मत दिखाओ, बस आप बोलो सर देखो एक रॉड है उसका मास ये रहा एम और जिसकी हाइट ग्राउंड से इतनी है, खत्म, मुझे शेप ही मत दिखाओ, बस मुझे पॉइंट दिखा दो, पॉइंट एम है। आप इसके अंदर मुझे शेप मत दिखाओ स्फेयर की, आप बोलो बस एक स्फेयर है जिसका मास एम है, बस दैट्स इट। देखो कितना आसान हो गया, शेप हटा दी, मास मास रख दिया, खत्म। आपको ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, और ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ ईजी कैसे होती है। इसको करने के लिए आप बस मुझे ये बताओ, सपोज एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है ना वो लेंथ मान लो 10 मीटर है, ये जो रॉड है इसकी लेंथ 10 मीटर है, इसका जो मास है वो कितना है, 5 kg है, और आपने मुझे ये बताना है कि आपको इस रॉड की, ये ग्राउंड है, आपको इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है क्या होगी, ये बताओ। आपको रॉड की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है क्या है, कोई कहेगा सर जीरो, मैंने कहा वो क्यों, क्योंकि वो कहता है ये तो ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तो मैंने कहा भाई मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मास तो यहाँ पर भी है, ये जो छोटा मास डीएम है हाँ इसकी जीरो, पर जो मास ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर पड़े हुए हैं उनकी तो कुछ कुछ एनर्जीज आएंगी, और जितना ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उस मास की बढ़ती जाएगी, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन सब का सम, तो निकाल मैंने कहा एनर्जी। अब वो कहता है ऐसे कैसे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, पहले स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा उसकी एनर्जी, फिर अगले की स्मॉल एनर्जी, फिर अगले की, फिर नहीं इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो इमेजिन करेगा कि यहाँ का सारा मास कहाँ पर पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। वो इमेजिन करेगा कि मास कहाँ पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे, बोलो कितना पड़ा हुआ है, कितने केजी, टोटल मास कितना है, 5 kg, तो यहाँ पर मास क्या लेंगे, 5 kg की 5/2 kg, 5 kg, 5 kg की 5/2, हाँ जी ऑनलाइन 5 kg, हाँ सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है, यानी कि जमीन से कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे है, लंबाई को आधा करना है, ये नहीं है कि स्टिक 5 किलो की 2.5 किलो की रह गई, ऐसे कैसे रह गई, मास तो एग्जैक्टली क्या रहेगा यहाँ पर, 5 kg। तो इमेजिन करो कि अब ये रॉड को भूल जाओ, अब इमेजिन करो कि कितना मास है इसका 5 kg और कहाँ पर पड़ा हुआ है, सेंटर पे, पॉइंट की तरह पड़ा हुआ है, शेप को छोड़ो। अब जब आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, फिर भूल जाओ कि यहाँ पर भी मासेस हैं, फिर कहो बस एक ही मास है 5 kg, जिसकी हाइट क्या है, 5 मीटर, तो बोलो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, एम इंटू जी इंटू एच, आंसर। तो कुछ नहीं करना, मास तो बराबर लेना है 5 kg, जी भी बराबर लेना है, बस हाइट कितनी ले लेनी है, सेंटर, इंटीग्रेशन से छुटकारा मिल गया आपको। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक और चीज़ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या पड़ी हुई है, चेन, चेन, चेन लटक रही है, कितनी लटक रही है, मान लो L/6, ये किया था ना L/6, इस लटकती हुई चेन का मास कितना है बोलो, M/6। चेन में क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मास कहां पर एज्यूम करेंगे, एट सेंटर, तो मास यहां पे सेंटर ऑफ मास बोलो कितना, M/6 की L/12, मास थोड़ी ना कम हो जाएगा भाई, मास तो लटकती हुई चेन का M/6 है, लेकिन वो पड़ा कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास पे, M/6। अब चेन को भूल जाओ, अब सोचो कि आपका सारा मास यही है पॉइंट मास, और आपने बस इसको उठा के यहां रखना है, तो जब इसको उठा के यहां रखेंगे तो कितनी हाइट ऊपर जाएगा ये पॉइंट, L/12, L/6 का आधा L/12, तो डिस्टेंस तो आधा हो गया ना, टोटल लेंथ L/6 है पर सेंटर ऑफ मास तो ये रहा, तो आपने इस मास को उठा के ऊपर रखना है तो डिस्टेंस कवर्ड यहां पर क्या होगा, L/12, तो बोलो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मास M/6 इंटू जी इंटू L/12। चेक कर लो मेथड नंबर 1, आंसर एग्जैक्टली सेम था ना, कौन करेगा इंटीग्रेशन, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, आप भी ऐसे ही करेंगे, नोट कर लें, है कि नहीं सही तरीका, एक मिनट में आंसर आएगा। ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर, समझ में आ रहा है, यस सर।
तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद इस चीज़ का आंसर दो कि आंसर देने से पहले एक पॉइंट नोट करो अपनी फॉर्मूला बुकलेट में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये कि जो मास है, टॉपिक का नाम है मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जो मास है वो एक्चुअल में तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी भी बॉडी पे, तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कुछ बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि थिन रॉड, गिवन होगा, जैसे कि थिन रॉड। थिन रॉड क्या होती है? एक पतली सी रॉड जिसकी मोटाई नहीं है, बस लंबाई लंबाई है। कितनी थिन रॉड होगी? जैसे कोई सर का बाल, इतनी हेयर, इतनी पतली रॉड, मोटाई है ही नहीं, बस लंबाई लंबाई है। इमेजिन करना, हाइपोथेटिकल है प्लीज, प्रैक्टिकल मार्केट में मिलेगी नहीं आपको, मोटाई होएगी उसकी। इमेजिन करना है कि लंबाई लंबाई है उसकी, थिकनेस नहीं है, ठीक। या चेन, या फिर चेन, चेन के अंदर भी अगर आप चेन लेते हैं तो भी मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ओवर इट्स लेंथ, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इट्स लेंथ, तो कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेशियो को बोलते हैं लीनियर, लीनियर का मतलब होता है फिजिक्स में लेंथ वाइज, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता, मास अपॉन लेंथ होती है। इसका सिंबल लिया जाता है फिजिक्स में लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। इसे नोट कर लें प्लीज, काफी बार यूज होता है आपके प्लस वन प्लस टू में, इसे नोट करें प्लीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा, सपोज अब कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिसमें जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इट्स एरिया। जैसे एक डिस्क, डिस्क ले लो जिसकी मोटाई नहीं है, या शीट ले लो, कोई भी एक शीट है, ये देखो रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी कोई मोटाई नहीं है, सिर्फ एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मास है, तो मास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे केस में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, और इसको बोलते हैं सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट
एरिया, ये नोट करें। तो लैम्डा का मतलब अगर गिवन होगा तो मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया, लास्ट। ये आप कहेंगे सर प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई लेंथ ऐसी नहीं जिसकी थिकनेस ना हो, माइक्रोस्कोप लेके बैठोगे तो थिकनेस दिखेगी। कोई डिस्क या शीट ऐसी नहीं जिसकी थिकनेस ना हो, कुछ थिकनेस तो निकलती है। इसलिए छोटी क्लास में इनको डिस्कस किया नहीं जाता। तो क्या डिस्कस किया जाता है, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ओवर इट्स वॉल्यूम। तो जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर वॉल्यूम में मास है तो क्या यूज करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, और इसका सिंबल क्या है, रो। आप छोटी क्लास में ये पढ़ के आए हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, भूल तो नहीं गए ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, यही है ना मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि आपने कभी ऐसा किया ही नहीं कि मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है या एरिया वाइज है, हमेशा ही वॉल्यूम वाइज है। पर अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपने वॉल्यूम वाइज नहीं, आपने लेंथ वाइज देना है, आपने एरिया वाइज बताएगा क्वेश्चन में लेंथ वाइज या एरिया वाइज, और नहीं बताएगा तो फिर वॉल्यूम वाइज तो है ही है। ठीक, यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स में, यूज ऐसे होता है ये कि फॉर एग्जांपल आपको एक रॉड देगा, वो ये रॉड है, थिन रॉड है रादर, एक थिन रॉड देगा। इस थिन रॉड में वो कहेगा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लैम्डा की वैल्यू है 5 kg/m। क्यों, क्योंकि लैम्डा की डेफिनेशन क्या थी, मास अपॉन लेंथ, तो यूनिट्स क्या होंगे, kg/m। वो आपको कहेगा ये जो रॉड है इसकी लेंथ 10 m है, तो बताओ मास ऑफ रॉड निकालो, मास ऑफ रॉड क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब पहला तरीका, लैम्डा क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है कितना, 5, मास आपको निकालना है और कितनी लेंथ का निकालना है, 10। तो मास की वैल्यू क्या जाएगी इसमें, 50 kg इज द आंसर। पर इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ, सीधा लगाओ। मास क्या होता है, लैम्डा को लेंथ से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है, 5 kg/m, और लेंथ कितनी है, 10 m, मीटर से मीटर कैंसल, तो आंसर कितना आ गया, 50 kg। सिंपल, क्लियर है कैसे सोचना है इसमें। तो अगर लैम्डा गिवन हो और मास निकालना हो तो लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। सिंपल, ठीक है यहां तक। जैसे सपोज क्वेश्चन में आपको कहेगा कि आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क का सिग्मा आपको देगा 5 kg, इसके यूनिट्स क्या होंगे, kg/m². वो कहेगा कि इस डिस्क का एरिया 10 m² है, तो आप इसमें मास निकालो डिस्क का क्या होगा। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, तो मास क्या होगा, सिग्मा इनटू एरिया, तो सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5 kg/m² और एरिया क्या है इसमें, 10
मीटर का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया अगेन 50 kg। समझ में आ रहा है कैसे इसको यूज करना है? ठीक है, अब नेक्स्ट सपोज, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है एक स्फेयर है, एक स्फेयर की वॉल्यूम डेंसिटी मैं आपको दे रहा हूं, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 10 kg पर मीटर का क्यूब, और आपको ये दे रहा हूं वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज 15 m³। तो बोलो मास क्या होगा? ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो आप छोटी क्लास में कर ही रहे हो। क्या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? तो करते ही आए हो। तो वॉल्यूम कितना है इसमें? 15। डेंसिटी कितनी है इसमें? 10। आंसर क्या आएगा? 150 kg। ये तो बाय डिफॉल्ट है, आपको आता है, ये वो नहीं आता था, वो समझ में आ गया क्या करना है, एक जैसा ही तो है। अब क्वेश्चन में ये देखने वाली बात होती है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन कैसी है, लेंथ वाइज है तो लैम्डा दे देगा, एरिया वाइज है तो सिग्मा देगा, क्वेश्चन पूछने वाला ही देगा, आपको कुछ करना नहीं है। और ऐसी अगर वॉल्यूम वाइज है तो रो, रो तो हमेशा देता ही आया, वो आपको यूनिट से पहचान में आ जाता है। अगर केजी पर मीटर है तो लैम्डा है, केजी पर मीटर स्क्वायर है तो सिग्मा है, केजी पर मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम है। ठीक है, तो बताओ फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है, ये चेन हम लटक रही है, इस चेन की लीनियर मास डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी? लैम्डा, लैम्डा गिवन है इसमें, लैम्डा यही गिवन है। और सपोज इस चेन की जो लेंथ है, जो हवा में लटक रही है, वो एल है, इस चेन की लेंथ एल है, इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ द चेन एल से भी बड़ी होती होगी, तो लटकता हुआ पार्ट एल है। तो आपको बताना है कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस चेन को उठा के टेबल पे रखने के लिए, कितना वर्क डन करना है बताओ? क्या आंसर है? सबसे पहले क्या ये पॉइंट समझ में आया कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाना है? ठीक है, क्योंकि चेन में चेन लटक रही है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे? इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे, तो और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L/2। तो अगर मैं आपको मास ऑफ चेन बता दूं, आपका आंसर आ जाएगा मास ऑफ चेन क्या होगा? अब क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी क्या है? लैम्डा,
और कितना मास निकालना है जिसकी लेंथ क्या है एल, तो मास क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो कॉन्सेप्ट वही है कि मास की जगह लैम्डा इंटू एल इंटू जी और डिस्टेंस की जगह लैम्डा बाई टू। तो आंसर ये आपके सामने आंसर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? वो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पर क्या फर्क पड़ता है आपको पता है? आपको लैम्डा पूछ ले सिग्मा जो मर्जी पूछे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा सेंटर ऑफ मास का। ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। अब इसमें एक चीज बताएं कि सपोज आपके पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये रही, ठीक है। इस ट्यूब में लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। इसके अंदर इस लिक्विड में ये जो हाइट है, ये हाइट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एच है। और मान लो इस लिक्विड का मास लेफ्ट साइड पे एम है, तो ये बताओ लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की क्या है? मास बोलो कितना है, एम जी। अब मास लिक्विड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब ग्राउंड से अगर एनर्जी निकालनी है, सही बोल रहे हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास की हाइट ग्राउंड से क्या हो जाएगी, एच बाई टू। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके हिसाब से निकलेगी एम इंटू जी इंटू कितना, एच बाई टू। तो एनर्जी आ गई। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ इसमें पूछूं तो इसकी हाइट भी एग्जैक्टली एच है, इसका मास भी एम है, तो पोटेंशियल एनर्जी राइट साइड की क्या आएगी, एम जी इंटू एच बाई टू। अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछूं दोनों साइड्स की, एम जी इंटू एच बाई टू, एम जी इंटू एच बाई टू, टोटल एनर्जी आ गई। आप कहोगे इसकी एनर्जी, देखो ये ट्यूब बहुत पतली ली है, ये निगलिजिबल हाइट की है, तो इसको छोड़ देंगे, सब इस हाइट को लेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए वो क्या करेगा, वो कहेगा देखो फिर से एक बार ट्यूब है, फिर से ट्यूब है, थोड़ा और बड़ा कर देगा क्वेश्चन, एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा लेगा। कैसे? अगर ये ट्यूब है तो इस ट्यूब में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको देगा ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इसमें कहेगा लिक्विड है, लिक्विड है, और इसमें ये जो हाइट है वो कहेगा वो हाइट एच है, एच है, ठीक है। और लिक्विड की डेंसिटी जब कुछ मेंशन नहीं होता तो वॉल्यूम डेंसिटी रो है, तो कहेगा अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बोलो क्या लेंगे, एम जो भी इसका मास है, जी, और हाइट की जगह यहां पर क्या लिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, जो कि यहां पर क्या होगा, एच बाई टू। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास, इसका मास क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच बाई टू। तो वॉल्यूम बोलो क्या है, एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच इसका वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच बाई टू। तो ऐसे ही राइट साइड की एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम आएगी, दोनों को ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है यहाँ तक? तो इसके बेस पे मेंस वालों ने ना क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछा, आप मेंस की शीट में देखेंगे पुराने पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको। नीट में हालांकि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा बड़ा है, शायद नहीं आएगा, पर इसका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा कि आपके सामने ये ट्यूब्स हैं, लिक्विड से भरी हुई ट्यूब्स हैं, शुरू में मैंने इसको दबा के रखा हुआ है एक साइड को, तो यहां से लिक्विड ऊपर उठा हुआ है हाइट ऑफ एच वन और यहां से
एच टू, फिर मैंने छोड़ दिया, छोड़ा तो ये ऊपर नीचे करके लेवल पे आ गया, वो डायग्राम बन गया एच। एच गिवन नहीं है, एच आपको खुद निकालना है, ठीक। एच वन एच टू गिवन है, एच नहीं पता, कहता बस ये इक्वल हो गए। तो ये बताओ कि जब आपने इसको छोड़ा तो किसने लेवल बराबर कर दिया? ग्रेविटी ने, क्योंकि ग्रेविटी ने इसको पुल किया, फिर ऊपर निकल गया, इसको पुल किया, ये ऊपर निकल गया, पुल कर करके उसने सेट कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टू केसेस, या क्वेश्चन आएगा फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस, क्योंकि वर्क डन ग्रेविटी का क्या होगा, जितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कितना वर्क डन किया ग्रेविटी ने, तो आप पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इस सिस्टम की, आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इस सिस्टम की, दोनों को माइनस कर दो, दो डिफरेंस होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वही अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस हाइट को निकालना पड़ेगा, हाइट गिवन नहीं है। तो मुझे ये बताओ पानी गायब तो हुआ नहीं, इस पोर्शन में पानी का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एच वन, इस पोर्शन में पानी का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एच टू। अब पानी ऊपर नीचे हुआ लेकिन टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा दोनों लिम्स में, तो यहां पर क्या होगा एरिया इंटू एच, यहां पर क्या होगा एरिया इंटू एच, तो अल्टीमेटली रीअरेंज हुआ पानी, वॉल्यूम तो सेम ही है, तो यहां पर क्या होगा एरिया इंटू एच वन प्लस एरिया इंटू एच टू। अब क्या होगा एरिया इंटू एच इक्वेट कर दो, इक्वेट करके पहले एच निकाल लो, तो एच की वैल्यू क्या आएगी एच वन प्लस एच टू बाई टू। पहला स्टेप क्लियर है। अब ये बताओ इस साइड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका मास, मास क्या है वॉल्यूम एरिया इंटू एच वन, और मान लो इसकी डेंसिटी रो है, गिवन होगी वो एरिया इंटू एच वन इंटू रो, मास इंटू जी इंटू हाइट की जगह एच वन बाई टू, अभी किया हमने एम जी एच वन बाई टू, लेफ्ट साइड की पोटेंशियल एनर्जी है, और मास की जगह क्या पुट किया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है एरिया इंटू एच वन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये आ गया आपके पास। ऐसी राइट साइड में भी एच वन की जगह क्या आ गया एच टू, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड्स की मिला के ये आ गई। तो ये इनिशियल जो डायग्राम था उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल में कोई फर्क नहीं, जहां एच वन एच टू है वहां एच और एच कर दो, तो फाइनल एनर्जी इसके इक्वल आ गई, लेकिन एच तो गिवन नहीं है, एच को यहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा एच वन प्लस एच टू बाई टू। तो ये इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी आपको क्या निकालना है टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फिर लगाएंगे अपना मैथ एलसीएम ओपन कर करके ऑब्जेक्टिव ये मार्क करेंगे। मेडिकल में तो खैर इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो आई सकती है कि सेंटर ऑफ मास कैसे यूज करना है। नॉन मेडिकल में तो आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा, वो तो पुराने पेपर मिल ही जाएगा आपको, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें, ठीक है। इसी शीट में आपको ये चेन वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, एल लेंथ है, मैंने बस फर्क ये है मैंने लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा लिया था, इसने और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, लैम्डा सिंबल हटा दिया, लोग रट के चले जाते हैं लैम्डा पता ही है क्या होता है, उसे डी ले लिया ताकि लोग डी मास अपॉन डेंस वॉल्यूम ले लें। नहीं, आपने पढ़ना है लीनियर डेंसिटी, लीनियर का मतलब ये मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा की जगह डी यूज़ कर रहा है, बाकी हमने ये क्वेश्चन कर लिया।